तो सर, इस वीडियो में बात करेंगे ब्लू जेले के BLZ कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.294 पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे राउंड एक अच्छी डिप के अंदर वापस से इस कॉइन के प्राइस में देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करें कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे बात करें इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2937 पर अभी कॉइन ट्रेड कर रहा है। कल से अभी तक 3-4% का ड्रॉप इसकी प्राइस में देखने को मिला है। और डेली के चार्ट में जाएं तो यहाँ देखें तो अप्रैल मंथ में जहाँ इस कॉइन ने 4.8 वाला लेवल ट्राई किया था, उससे पहले यहाँ इस कॉइन ने 4.6 वाला लेवल ट्राई किया था। तो इस लेवल से 4.8 वाले लेवल से ये कॉइन हमें ऑलमोस्ट अभी 40% डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से हर बार इस कॉइन को बाउंस बैक देखने को मिला, हर बार इस कॉइन ने ब्रेकआउट लिया है और यहां से 40-50% तक का क्विक प्रॉफिट हमने प्रीवियसली जनरेट किया। और वापस से ये कॉइन यहां से मूव करके आपको क्विक प्रॉफिट देगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इस कॉइन को होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा पोटेंशियल कॉइन है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, आपके पोर्टफोलियो का अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करेगा। ब्लू जेले इज गेम फाई फॉर कॉस्मोस, कॉस्मोस के लिए गेम फाई है और ये प्रोवाइड करता है गेम्स स्टोर, NFT और DeFi फॉर यूअर गेम एसेट्स को, गेमिंग एसेट्स से उसके लिए NFTs वगैरह ये प्रोवाइड करता है। ब्लू जेले एक मिड कैप कॉइन है और इसकी जो रिसेंटली इस कॉइन ने जब 2023 का जो एंड था, जिस टाइम पर मार्केट जो है वो ओवरऑल अपने लोवेस्ट एरिया पर था, बिटकॉइन अपने लोवेस्ट एरिया पर था, वहाँ पर इस कॉइन ने 0.041 तक का लो बनाया था। ये वाला जो लो है ये 2023 के मिड का है, जुलाई अगस्त वाले टाइम का, और उसके बाद से इस कॉइन ने ब्रेकआउट लेके वो 10x तक की रिकवरी की और अभी भी ये कॉइन ऑलमोस्ट 7-8x ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस कॉइन में हमने आपको प्रीवियसली बहुत अच्छे लेवल पर 0.5060 के अराउंड में 2023 में, और लेटेस्ट एंट्री की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट आपको 2023 के ही अक्टूबर में यहाँ पर एक अच्छा लेवल था 1011.26 की है। तो वहाँ से भी अगर आपने होल्ड किया तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट होगा। और जिन्होंने भी पिछले वीडियोज़ के तो प्रॉफिट जनरेट किया, किसी भी टाइप से हमारे वीडियोस हेल्पफुल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताया करें आपने किस टाइप से हमारे वीडियोस के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अभी अगर टेक्निकली बात करें तो 0.286 वाला जो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है डेली के अंदर। यहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ की मैंने, आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ अगर देखें तो ये यहाँ जब इसको इन्हें ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया था यहाँ से, तो ये बैक टू बैक मूव करके और यहाँ इसको इन्हें 4.6 तक मूव किया था। उससे पहले यहाँ 3.9 तक मूव किया, 3.9 से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और इस कॉइन ने यहाँ फर्स्टली 2.69 का लो बनाया और वहाँ इसने जो क्लोजिंग है वो 2.8 से ऊपर ही की थी। ये वाली लाइन से ऊपर आप देखें, डेली क्लोजिंग इससे ऊपर है। अभी उसके बाद में वहाँ कुछ टाइम इस कॉइन ने स्टेबिलिटी मेंटेन की 8-10 दिन 15 दिन और वहाँ से बाउंस बैक देखने को, वहाँ से इस कॉइन ने 50% से ज़्यादा का ब्रेकआउट लिया, 4.6 तक ट्राई किया। फिर वापस हमने ड्रॉप देखा जिसमें इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 2.8-2.9 तक ट्राई किया और वहां से ये मूव कर गया। फिर इसने 4.8 तक ट्राई किया और वहां से जब अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ था तो एक यहां पर ये वाली जो कैंडल है ये 2.8 तक ट्राई किया था और वहां से इस कॉइन ने वापस बाउंस बैक लिया। ये वाली जो फ्लक्चुएशन है ये उस टाइम की है जब रिसेंटली अप्रैल मंथ में बिटकॉइन ने 72,000 वाले लेवल से 59,000 वाला लेवल ट्राई किया, इस कॉइन ने ड्रॉप लिया और वापस बाउंस बैक करके और 4.7 तक ट्राई किया, यानी कि 2 दिन के अंदर इस कॉइन ने डंप लिया और वापस क्विक रिकवर करके उस लेवल तक प्राइस गई। और वहां पर भी हमने 16 अप्रैल को हमने इस कॉइन में 0.305 और 2.7 की एंट्री सजेस्ट की थी इसी लेवल पर, और यहां से हमने 4.7 वाला लेवल भी ग्रैब किया।
अभी अगर देखें तो वापस वहाँ से इसने ड्रॉप लिया और ये रेजिस्टेंस लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिस लेवल से बार बार ये रिजेक्ट हुआ है। कुछ टाइम इसने सपोर्ट बना लिया था लेकिन इसने वापस से वहाँ से उस लेवल को लूज़ कर दिया है। और अभी अगर देखें तो 272 तक का लो बनाया जहाँ पर क्लोजिंग 28 से ऊपर ही की है। तो जब तक ये लाइन मेंटेन है, इस लाइन से ऊपर है, तब तक ये कॉइन जो है वो यहाँ से बाउंस बैक करके और वापस ईजिली आपको 38 से लेके 40 तक क्विक मूव करेगा और शॉर्ट टर्म में आपका 50-80% तक का प्रॉफिट आपको ये देकर चला जाएगा। वापस से कॉइन 4.5 से लेकर 4.8 तक ट्राई करेगा। तो ये डेली के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल से है, आपने देख लिया यहाँ पर 2.9 2.86 सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 4.0 वाला लेवल है, ये वाला लेवल। वीकली में अगर देखें तो वीकली में 2.55 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ पर है और इसको इसने मेंटेन किया हुआ है और ऊपर की तरफ 3.2 3.3 रेसेस, उसके बाद में 4.2। तो वीकली में है 4.2 वाला इंपॉर्टेंट रेसेस लेवल और डेली में 4.0। जैसे ही ये कॉइन 4.2 से ऊपर वीकली क्लोज करता है, एक आध दिन वहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो यह कॉइन अपने 4.8 वाले लेवल को भी ब्रेक करके और 5.5 से लेकर 6.0 तक ट्राई करेगा। उसके लिए सिर्फ 4.2 से ऊपर वीकली क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर एंट्री की बात करें, देखिए ये सारी चीज़ें टेक्निकली वो आपको समझना बहुत ज़रूरी, मार्केट में इमोशनली ट्रेड नहीं करना है। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में इमोशनली ट्रेड करके बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं मार्केट के अंदर और आपको ये गलती नहीं करनी है। एंट्री की बात करें, 0.293 पर ट्रेड कर रहा, 292 पर आपको एंट्री लेनी है। ये आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट रहेगा 70% पार्ट से फर्स्ट एंट्री, और सेकंड लेवल रहेगा 265 जहाँ पर आपको बाकी 30% पार्ट से बाय लिमिट लगा देनी है। इस टाइप से 70-30 के रेशियो में 292 और 265 इन दो लेवल्स पर आपको बाई करना है। यहाँ से क्विक टारगेट्स की बात करें तो क्विक मोमेंट में ये कॉइन 3.6 तक ट्राई करेगा जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है। जो भी टोकन आपके पास आप बाई करेंगे उसका 60% 3.6 पर, और सेकंड टारगेट रहेगा 3.9 जहाँ पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशियो में 3.6-3.9 पर सेल करना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एटलीस्ट 4-6 वीक का जो वेट करेंगे, 1 मंथ से लेकर 2 मंथ का, वो इस कॉइन में 40-50% का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। 4.0 से ऊपर 4.2 तक का टारगेट रखेंगे, वहाँ पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उस बेसिस पर आपको वहाँ टारगेट लगा देने हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है। लॉन्ग टर्म में जिन्होंने प्रीवियस टाइम से 10.08 से होल्ड किया उनके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा प्रॉफिट है और आने वाले टाइम में भी ये कॉइन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में जरूर इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फास्ट एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।